यान आमिर ने दोस्तों आज फकर जमी की फुल मजे लिए हैं, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखें। कि वो लोग नहीं करते, डॉक्टर जयशंकर साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है ना, वो कहते हैं हम बड़े हैं, ये क्लेम करता है ना, पूरे हिंदुस्तान करता है कि हम बड़े हैं, हम कहते हैं आप बड़े हैं ना, ठीक है पाकिस्तान वीक है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जो वीक होगा आप उसको दबोच के रख के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। देखो मैं कहता हूं अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, लेकिन यार एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुप रही है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ नहीं, उसने मैं बताता हूँ जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं, चार सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे, लिसन यही चीज नहीं। देखिए मैं एक बात आपको मिर्ची लगी आप जो मर्जी दोनों खवातीन कह सकती हैं, कोई मसला नहीं है यार, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, बट द थिंग इज कि जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो गलत है यार उसको गलत कहूंगा। उसकी वजह ये कि ठीक है मैंने कहा ना कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, आप तो भाई जयशंकर साहब आप तो 135 करोड़ की डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर हैं और आपकी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप करें ना अच्छी बात, क्यों आप कहते हैं, क्योंकि आप मैं यकीन करें मैं मॉनिटर करता हूं जयशंकर साहब, मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं और मैं सुनता हूं उनकी पूरी पूरी स्पीचेस घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया, बात यह कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं, आइडिया दे रहा हूं बिल्कुल आइडिया दे। मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो हम इसको दिखा। नहीं 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 देखे मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा बस आने वाले। खैर मोदी जी बड़े जो है ना बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए फकर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू टेल मी वन थिंग, मैं मान गई एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे, ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल ये भाई वो, हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं। आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे, ओ कश्मीर ये कश्मीर वो कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। तो यू टेल मी, आप बताइए ना, वो फंस जाती थी पहले। एक मैं कहता हूँ ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता, यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां नहीं खत्म हो जाएगी, फिर हम फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे, और शायद पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना कैसे करें। नहीं 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 सुने बिल्कुल बिल्कुल, ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहते हैं यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, भाई जान आई टेल यू वन थिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मेरी बात सुन जी जी, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, सपोज फकर साहब, सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफ जाई, आई एम वेरी हैप्पी विद माई हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माई लाइफ, फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में, शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी, अच्छी गोली खेलूंगा, एक सेकंड फकर उनको कंप्लीट कर देने जी, आना आप बात करें, आइडिया अच्छा है वैसे बात करना। नो सो इमेजिन अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते हैं ना, आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए, फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी, अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड, तो पीओके की बात इसीलिए उठी है,
तो इसीलिए दैट जो इंटरफेयरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट. हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप. सो दिस इज द थिंग. ये इशू है. आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया. नहीं नहीं बिल्कुल. मैं मतलब ये एग्जांपल मुझे बड़ी अजीब सी खुशी की हालत है. बड़ा अजीब सा खुशी पगर की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही. शायद ये सच में उनके साथ हुआ. नहीं याना समझ ले कि मैं बिलावल की तरह जो है ना इतना मतलब एग्रेसिव हो जाऊंगा ना कि मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं बड़ा आराम से खेलता हूँ. मैं बड़ी लॉन्ग जिसे कहते हैं ना बड़ी लंबी इनिंग खेलता हूँ. ऐसा नहीं होता कि आप लोग बोल रहे हो कि इंडियंस आर डूइंग टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान. So I don't know why you are trying to turn the tables on us. हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है. आप लोगों ने टेररिस्ट को संभाल के रखा बैकयार्ड में. क्योंकि अभी इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है ना वहां पे कोई एक टीटीपी का ग्रुप नहीं है. वहां पे दाइश का ग्रुप है. बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिसमें जैश के लोग उनके साथ अफगान जिहाद में हिस्सा लेते रहे. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो दोबारा से वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं. लेकिन हमें उसका क्या लेना देना है. वो आप लोगों का मसला है. आप लोगों ने अपने बैक लेना देना नहीं है. पाकिस्तान नहीं आना. उन्होंने कश्मीर आना है सीधा. वो पहले उनको पाकिस्तान पार तब तक हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. ईरान के नहीं ईरान या नेपाल के जरिए भिजवाएंगे इस दफा हम लोग. नहीं हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. नेपाल से बात चल रही काठमांडू की तरफ से आएंगे. नहीं नहीं वी आर वेरी सिक्योर क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे. प्लीज आप दोनों जो है ना मशकूक बातें ना करें. हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे. हम टर्म्स बेहतर कर रहे हैं. ये नहीं कि नेपाल की साइड से आ रहे हो और अब उधर से आ रहे हो. बजी शो चलते रहे. टर्म नहीं बेहतर होने. नहीं नहीं वो होंगे और कभी ना कभी होंगे. और यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया. आप नेपाल के साइड से एक्सक्यूज मी. आप नेपाल से साइड से कैसे. नेपाल हो बर्मा हो ये सारे हिंदू कंट्रीज हैं. जस्ट लेटिंग यू नो. खैर है ना एंड नहीं नहीं एंड कहाँ से आएंगे यार. नेपाली खुद पहले आपको खत्म कर देंगे. जब तक आपसे धंधा मिल रहा है ना पैसा और तब तक चुप है. थोड़ा बहुत तो ऐसा मसला नहीं है. वो हमने मतलब लाइन वगैरह सेट कर लिया. बस आप लोग तैयार रहे. हम लोग मतलब कुछ भी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. वहां से तालिबान ही आपको खत्म कर रहे हैं. हम बस बैठ के पॉपकॉर्न खा के देख रहे हैं. नहीं तालिबान के साथ तो अभी नहीं सेटल डाउन हो जाएगा. तालिबान वाले बात यहाँ पर मेरा ख्याल है. मुझे वो वर्णव गोस्वामी जी याद आ रहे. मुझे शो का नाम रखना चाहिए कुछ भी. कुछ भी नहीं नहीं आप क्या तालिबान के साथ हाथ में. आरजू जी एक्सक्यूज मी ये तालिबान के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके तो वो रिश्तेदार लगते हैं. ये है अफगान किस्म की तो पठान है ये. आपको सर पे बुरखा ओढ़ के घूमना पड़ेगा. आरजू जी आपकी फ्रीडम विल बी एट स्टेक. यू हैव टू फाइट दिस. आरजू जी कुछ नहीं होने जा रहा. हम पाकिस्तान ये तो हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं तालिबान से. आरजू जी ही जस्ट सेड कि पाकिस्तान हाथ मिला लेगा तालिबान से. 2005 से लेकर 13 तक ये लोग जितने पावरफुल थे ना उस वक्त यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को इन्होंने जबरदस्ती शटल कॉक नहीं पहना सके थे. तो अब 2022 में तो इनका मैं कहता हूं ना कि वो कबर में से इनके उठ के आ जाए ना तो वो भी नहीं पहना सकता. वो नहीं है क्योंकि अब उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है. हाँ उन्होंने अटैक्स कर लोगों को समझ नहीं आ रही शटल कॉक क्या है. बोलो ना शटल कॉक क्यों बोल रहे हो. वो शटल का बुरका होता है ना जो अफगानी पहनते हैं. याना को एक भिजवाएंगे हम लोग. मैं ढूंढ रहा हूँ जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से मिलेगा. मिल नहीं रहा असल में ना. मैं पुतले को पहना दूंगी खुद नहीं पहनूंगी. नहीं कसम से मैं दोनों को गिफ्ट करूंगा. नहीं नहीं ये बड़ा जबरदस्त पिक्चर बनवा के मुझे आप लोग भिजवा दीजिएगा फिर. नहीं मैं आपको फेरन भेजूंगी यहाँ से इंशाल्लाह. मेरा ख्याल है हम उल्टा फखर को देंगे और मैं और याना कोड़े मारेंगे लेके ना जो ताले बाद. तालिबान वहां से आते हैं एंड इफ दे रीच हिज एरिया वजीरिस्तान एरिया राइट इट इज वहां पे आके अगर वो मॉडर्नाइज हो जाते हैं तो इंडिया तक आते आते वो दुश्मन भी नहीं रहेंगे. सो आई होप दैट दैट एक्चुअली हैपेंस.